यार बंद कर दो, रास्ता बंद करो, गेट बंद करो, बंद कर दो। गेट बंद करो, गेट बंद कर दो, बस जो गुजर गया गेट बंद कर दो, दूसरा भी बंद कर दे, ये दूसरा भी बंद कर, ये दूसरा भी बंद करवा दें, गेट दोनों बंद करो। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم। मुख्तसर तरीन बात, जो जो जामिया ज़करिया का स्टूडेंट है उनसे दो चार बातें गोशो गुजार करना चाहूंगा। यहाँ पर तमाम तंजीमों से नुमाइंदे करते हैं, इससे आज एमएसए का मकसद तरीन खड़ी मौजूद है, तमाम मौजूद है आपके लिए। हमारा सहमत वालों का मसला नहीं था, मसला था फर्स्ट मैसे वालों का, हमारे जूनियर भाइयों का, दूर दराज के इलाकों से पहले ऑनलाइन क्लास देनी। मैं मुख्तसर दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ, वो इंस्ट्रक्शन के हवाले से। हम इधर पर अमन रहेंगे, बिल्कुल नॉन वायलेंस रहेंगे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारा शहर है, हम इस पे फखर करते हैं। किसी ने कोई तोड़फोड़ नहीं करना है। हम इधर आए हैं तो अपने हक के लिए आए हैं। हक हम उनसे मांगते, अगर नहीं देता तो हम उनसे छीनेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने SOPs का भरपूर ख्याल करना है। SOPs हर किसी का मास्क होना चाहिए, और आज चूंकि जुमा है तो जुमे की नमाज हम इधर ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हल होगा हमारा मसला। अगर हल नहीं हुआ तो हम इधर सोबे बना के इधर पढ़ेंगे सामने मस्जिद है। मैं मुल्ला साहब से बात करता हूँ, ठीक है आप लोगों के। और दूसरी जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, और तलबा तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, और कोई तलबा तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। और इसके अलावा जिस तरह फैसल भाई ने कहा कि हम इधर किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते, हम एक है, हम BZU के स्टूडेंट है, तो कोई भी सियासी नाराबाजी या कोई तंजीम के हवाले से कोई नाराबाजी या इस तरह काम करना ये बिल्कुल अवॉइड है। इसको बिल्कुल हमने वो करना है, उस पर एक्शन लेना है। तो बाकी आप लोग बिल्कुल नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें और कोई मायूस ना हो जाए इंशाअल्लाह कि हम ऑनलाइन पेपर देंगे, देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें ये गुजारिश करता चलूं कि जब हम रोड्स बंद करेंगे तब सिवाय एम्बुलेंस और दिल के मरीज और जो कोई ऐसा पेशेंट हो
इमरजेंसी और लेडीज की कोई पूरी बैन, अगर पूरी जो लेडीज की है तो हम उसको जाने देंगे, उसके अलावा किसी बीसी को नहीं जाने देंगे, किसी पुलिस अफसर को नहीं जाने देंगे, हम सबके साथ एक ही सलूक रखेंगे, बेशक वो मेरा बाप क्यों नहीं है, मेरा भाई क्यों नहीं है। इस जगह हम तलबा के हकूक के लिए आए हैं और हम किसी नीचे आरओ से डीएसए से बात नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे वीसी नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे रजिस्ट्रार नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन नहीं आएगा, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो आएंगे, हमारा मसला हल होगा, तब हम जाएंगे इंशाल्लाह। हमने जितनी बार उनके पास जाना था जा चुके हैं, अब तलबा नुमाइंदे किसी के पास नहीं जाएंगे, अब हमारे बिठाए हुए लोग यहाँ पे आएंगे।